हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपकी ईएमआरएस के लिए अब टाइम नहीं बचा है, तो उसको देखते हुए मैं प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जिसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। एंड दोस्तों, इससे पहले मैं बीपीएससी के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हूँ, उन सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही सब आने हैं, चाहे कोई भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम हो। तो दोस्तों, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, ओलंपिक मोटो अल्टियस किसको दर्शाता है? तो दोस्तों, ओलंपिक मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, एक चौथा जुड़ गया है कम्युनेटर। तो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनेटर, इसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर एंड टुगेदर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे और तेज और ऊंचा और बलशाली, एक साथ चलना। तो सीटियस, अल्टियस, और तेज और ऊंचा, तो अल्टियस का अर्थ क्या हो जाएगा? और ऊंचा, उच्चतर, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चतर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो आप सबको पता है, एक खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है, कोच को दिया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेपी ग्राफ से संबंधित है। तो स्टेपी ग्राफ किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस से, जो जर्मनी की खिलाड़ी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान से व्यवहार संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, वृद्धि करने वाले घटक हैं। तो अनुवांशिकता भी है, पोषक भी है एंड व्यायाम भी है, ये सभी वृद्धि करने वाले घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दैनिक कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग, बिना थकान के डेली काम करने की योग्यता, और उसके बाद अतिरिक्त शक्ति बचा रहे आपातकाल के लिए, उसे हम फिजिकल फिटनेस कहते हैं, ठीक है, उसे हम फिटनेस कहते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य आपका राइट हो जाएगा, यानी फिटनेस, इंग्लिश में फिटनेस लिखा रहेगा तो वो आपका राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक क्षमता को प्रभावित करते हैं, तो राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये भी सही है, आप समाज में ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शारीरिक शिक्षा क्या है? तो दोस्तों, कला और विज्ञान दोनों है, इस प्रकार आंसर नंबर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन के प्रथम गति के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, न्यूटन के प्रथम गति के सिद्धांत को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम कहते हैं। इन सबको आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि इनको क्या क्या अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपके बीपीएससी में पूछा ये था। तो गति के प्रथम, न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। दूसरे नियम को संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम। तृतीय नियम को एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, काउंटर फोर्स लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवों को भोजन की आवश्यकता प्राप्त करने के लिए होती है। तो जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या प्राप्त करने के लिए? तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्री स्कूल के बच्चों को किस आहार की अधिक आवश्यकता होती है? तो प्री स्कूल, स्कूल जाने से पहले, तो ज्यादातर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रोटीन जो है शरीर निर्माण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आराम और गति यह किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, यह बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट
की चारों ओर गति होती है। तो दोस्तों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ऐसा है जिसके अंतर्गत सभी गतियां होती है, चाहे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट हो, रोटेशन सर्कमटक्शन हो, हाइपर एक्सटेंशन हो, उपरोक्त सभी गतियां आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन नई दिल्ली भारत में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुआ था एंड 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ एंड 23वां 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, WHO का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं। तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद संपन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, खो खो पोल की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। तो 120 से 125 सेंटीमीटर यानी कि 1.20 मीटर से 1.25 मीटर होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है कि वॉलीबॉल की मध्य रेखा से अटैक लाइन की दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों 3 मीटर होती है मध्य रेखा से अटैक लाइन की दूरी और अटैक लाइन से एंड लाइन की दूरी 6 मीटर होती है। एंड इस प्रकार आपका उसकी लंबाई चौड़ाई होती है कुल मैदान की 18×9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वॉलीबॉल के एक सेट के अंदर कितने पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक सेट में 5 पॉइंट होते हैं, 5 सेट का होता है, चौथे और पांचवें सेट में 15 पॉइंट होता है, याद रखिएगा। तो प्रत्येक सेट में कितने हैं, 25 पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्ट्रेगर निकालने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है WN-1-10 2π, ऑप्शन नंबर क यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी दौड़ में स्ट्रेगर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों सभी दौड़ों में किया जाता है बट 100 मीटर में नहीं होता है क्योंकि वो सीधी रेखा में ही दौड़ संपन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओलंपिक ध्वज कितने, ध्वज में कितने चक्र होते हैं। तो आपको पता है कि ओलंपिक ध्वज दुधिया कलर का होता है जिसे 1913 में बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने बनाया हुआ था, यह भी क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें 5 चक्र होते हैं, 5 गोल चक्र जो अंग्रेजी के W आकार के दिखते हैं, नीला पीला काला हरा लाल, 5 रंगों के, जिसमें से नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक, जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक होता है जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक 400 मीटर की हर्डल दौड़ में कितनी हर्डल्स होती है। तो दोस्तों 100 मीटर महिला और 400 मीटर महिला, 110 मीटर पुरुष, 400 मीटर पुरुष, इन चारों में 10 हर्डल होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, क्रॉस बार का भार कितना होता है। तो दोस्तों जो लॉन्ग हाई जंप होता है उसमें जो क्रॉस बार होता है 2 किलोग्राम होता है, और जो पोल वॉल्ट का क्रॉस बार होता है 2.25 किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पोल वॉल्ट का लैंडिंग क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना होता है। वैसे तो आपका 5×5 होता है एंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका लैंडिंग एरिया जो होता है 6×6 मीटर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, पुरुषों के लिए 60 फुट का भार कितना होता है। तो 60 फुट का भार पुरुषों के लिए 7.260 किलोग्राम होता है और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, वॉलीबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई 18 मीटर होती है और चौड़ाई 9 मीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, वॉलीबॉल के एंटीना की ऊंचाई कितनी होती है। दोस्तों 180 होती है मीटर, और जिसमें से 1 मीटर
जाली में होता है और 80 सेंटीमीटर ऊपर 10 × 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर लाल और 10 सेंटीमीटर लाल और 10 सेंटीमीटर सफेद कलर में रंगा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, खो खो के मैदान की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 27 × 16 मीटर होती है, तो यहाँ पर लंबाई 27 मीटर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 32 है, खो खो के मैदान की चौड़ाई कितनी होती है? तो 16 मीटर होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है कि खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 8 दोनों तरफ खेलते हैं और जो बचते हैं वो स्थानापन्न होते हैं। नौ खिलाड़ी खेलते हैं, 8 बैठते हैं, 1 आपका रनर होता है, ठीक है। इसी तरह विपरीत में भी 9 होते हैं, जो 3-3 का जोड़ा बना दिया जाता है, जो एक एक पारी में 3-3 लोग खेलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुरुष के समानांतर यानी पैरल बार की ऊंचाई कितनी होती है? जो पुरुष जिम्नास्टिक होता है, आर्टिस्ट जिम्नास्टिक, तो उसमें जो पैरल बार होता है उसकी कितनी ऊंचाई होती है? तो पैरल बार की ऊंचाई होती है 1.95 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, रिंग्स के छल्ले जमीन से कितनी ऊंचाई पर लटके होते हैं? जो जिम्नास्टिक में रिंग्स होता है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर लटके होते हैं? तो 2.75 मीटर ऊंचाई पर लटके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्षैतिज बार यानी हॉरिजॉन्टल बार की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो हॉरिजॉन्टल बार की जमीन से ऊंचाई जो है 2.75 मीटर होता है इसका भी। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, गोला फेंक के सेक्टर का कोण कितना होता है? तो दोस्तों चाहे गोला फेंक हो चाहे डिस्कस थ्रो हो, ठीक है, शॉट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, इन तीनों के फेंकने का सेक्टर का कोण 34-92 डिग्री होता है, जबकि जेवलिन थ्रो का 29 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप सबको पता है सेंटर लाइन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मैराथन दौड़ में रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं? तो दोस्तों प्रत्येक 5 किलोमीटर पर रिफ्रेशमेंट स्टेशन होते हैं, जैसा कि पहला जो केंद्र होता है 11 किलोमीटर पर और अन्य केंद्र 5-5 किलोमीटर पर होते हैं रिफ्रेशमेंट स्टेशन, जिसे अल्पाहार केंद्र भी कहते हैं, और खिलाड़ी को जल को अपने शरीर पर डाल सकता है उस टाइम। जो मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज होता है, और मैराथन दौड़ की शुरुआत जो है ट्रैक का एक चक्कर लगाकर और समाप्ति भी ट्रैक का एक चक्कर लगाकर होता है, और शेष दौड़ पक्की सड़क पर होता है। दोस्तों मैराथन दौड़ का सबसे पहला आयोजन हुआ था 42.195 किलोमीटर का 1908 लंदन में, और इसको मान्यता मिली 1924 पेरिस फ्रांस में। इसको ओलंपिक में शामिल किया गया 1896 एथेंस ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 110 मीटर में बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई 1.067 मीटर होता है, और वहीं पे 100 मीटर में बाधा की ऊंचाई महिला के लिए 0.84 मीटर, 400 मीटर पुरुष महिला दोनों के लिए, पुरुष के लिए 0.914 मीटर, एंड 400 मीटर महिला के लिए 0.762 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, खो खो खेल की समय सीमा होती है? तो दोस्तों कुल 48 मिनट होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 9:39 फिर 6 मिनट का आपका मध्यांतर होगा, फिर 9:39 तो 9:34 और 6:42 और 3:38 कुल 48 मिनट का होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है, हेप्टाथलान में कितनी स्पर्धाएं होती हैं दोस्तों? तो इसमें 7 स्पर्धाएं होती हैं, प्रथम दिन 4 और दूसरे दिन 3 स्पर्धाएं होती हैं। प्रथम दिन 4 स्पर्धाओं में 100 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, और दूसरे दिन लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़ होता है, यह महिलाओं के लिए होता है।
और इसमें 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या होती है? तो आप सबको पता है सबसे महत्वपूर्ण इसमें मैदान यानी फील्ड होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है कि रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? तो रिले रेस में एक्सचेंज जोन जो होता है वह कितना होता है? 20 मीटर होता है। कितना होता है? 20 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में खो खो खेल का खेल कहाँ लोकप्रिय है? तो ये कहाँ पे लोकप्रिय है आप सबको पता है महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा लोकप्रिय। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है, डीके थलार में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो डीके थलार में कुल 10 प्रतियोगिताएं होती हैं जो पुरुषों के लिए होता है डीके थलान। तो कुल कितनी स्पर्धाएं होती हैं प्रतियोगिताएं? 10। प्रथम दिन 5, दूसरे दिन 5, जिसमें से 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। प्रथम दिन 5 इवेंट में पहला 100 मीटर दौड़, फिर लंबी कूद 60 फुट, ऊंची कूद 400 मीटर दौड़, और दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर दौड़। सीक्वेंस भाई पूछता है, इसे सीक्वेंस भाई आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? व्यायाम के द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 48 है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है? तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है एंड सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसका उखड़ा जोड़ यानी डिसलोकेशन हम देख सकते हैं? डिसलोकेशन मतलब हड्डी जो है अपने जोड़ से खिसक जाना, तो कंधे का, ठीक है, हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अंग है, तो ये बात 100% राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये बात सत्य है, इसको कहा था अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 52 है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 है, रोगों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य है, तो ये असत्य है, केवल रोगों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और रोग सभी से मुक्त होना स्वास्थ्य है, WHO का कहना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एक सामान्य शरीर में होते हैं, तो हमारे सामान्य शरीर में क्या कितने गुर्दे होते हैं? किडनी, तो 2 किडनी होता है जो रक्त को फिल्टर करता है और यूरिन का निर्माण करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 55 है, थकावट इसका परिणाम है, तो आप सबको पता है लैक्टिक एसिड के जमने से हमारे शरीर में थकावट होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्राथमिक पाठशाला के बच्चों को देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए? प्राकृतिक बनाया गया व्यायाम, प्राकृतिक रूप से बनाया गया व्यायाम, क्योंकि उसको भारी भरकम व्यायाम करने के लिए नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, ह्यूमरस बोन यानी ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे होती है? तो अपर लिम्ब में होती है, आपको पता है ऊपरी बाह में। क्वेश्चन नंबर 58 है, शोल्डर ब्लेड को भी कहते हैं, तो शोल्डर ब्लेड को क्या कहते हैं? स्कैपुला यानी कंधे की जो होती है उसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, छोटी आंत में वसा का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों लैक्टियल्स में होता है, जो हमारे बिलाई होते हैं छोटी आंत में जिसमें समीप पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, तो वहाँ पे वसा का जो अवशोषण होता है लैक्टियल सेल से होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो वसा में घुलनशील होता है ADEK और जल में घुलनशील होता है BC। तो यहाँ पे सभी वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन सी जो है वसा में घुलनशील नहीं है, यह जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वसा प्राप्त होता है घी से, रिफाइंड तेल से? तो यह उपरोक्त दोनों से वसा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है,
कॉलर बोन को यह भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? क्लेविकल भी कहते हैं, जिसे हौसली भी हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, बाइसेप्स मसल्स होती है। तो दोस्तों बाइसेप्स मसल जो होती है वो कहाँ पे होती है? तो ऊपरी बाहू में होती है, जहाँ पे हमारा ह्यूमरस हड्डी होता है उसके ऊपर बाइसेप्स मसल्स होती है, जो कोहनी को मोड़ने में काम आती है। और उसके नीचे दूसरे साइड ट्राइसेप्स मसल होती है, जो कोहनी को फैलाने में काम आती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, डेल्टॉइड मसल्स होती है। तो दोस्तों डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पे होती है? हमारे कंधे पे होती है, जो एक लिफ्टर मसल्स होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 65 है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर में एटीपी बना हुआ है, वो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जो कोशिकीय शोषण के द्वारा माइटोकांड्रिया में बनता है। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है, स्पाइनल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं? तो 33 होते हैं, आप सबको पता है। जो हमारे सर्वाइकल बोन होती है 7, वो थोरोसिक जो होती है 12, लंबर रीजन कमर वाला 5, कॉक्सीजियल सेक्रल 5, कॉक्सीजियल 4, कुल मिलाकर के 33 होते हैं। लेकिन वयस्क होने पर, बच्चों में 33 होता है, वयस्क होने पर क्या हो जाता है? जो कॉक्सीजियल सेक्रल और कॉक्सीजियल है, सेक्रल 5 मिलकर 1 और कॉक्सीजियल 4 मिलकर 1, इस प्रकार कुल 26 ही बचता है वयस्क में। तो वयस्कों में कितना होता है? 26, बच्चों में 33। सीधे पूछेगा कितना होता है, तो 33, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 है, पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स होती है। तो दोस्तों ये हमारे छाती में होता है, वच में, जो थ्रोअर मसल्स, किसी को चीज को थ्रो करने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऐसा अंग जो बाइल नामक स्त्राव करता है। बाइल जूस यानी कि पित्त रस का स्त्राव कौन करता है? यकृत यानी कि लीवर करता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? तो स्टोर होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। और ये क्या कार्य करता है? वसा के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? आप सबको पता है, यह पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, तेज मसल फाइबर यानी कि फास्ट ट्विस्ट फाइबर किसे कहते हैं? तो सफेद मसल फाइबर को कहते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के मसल फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर, व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर को स्लो ट्विस्ट फाइबर यानी धीरे धीरे संकुचित होता है, और व्हाइट मसल फाइबर को फास्ट ट्विस्ट फाइबर यानी कि जल्दी जल्दी संकुचित होता है। जो व्हाइट मसल फाइबर होता है, अन एरोबिक क्रियाओं यानी कि जो तेजी से क्रियाएं होती है मसल्स वाले क्रियाओं में, कम समय की क्रियाओं में होता है, जहाँ पे ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है। और रेड मसल फाइबर जो है लंबे समय की क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव रहता है, जिसमें एंड्योरेंस डेवलप होता है, एंड्योरेंस वाले सहनशीलता वाले कार्यों में। क्वेश्चन नंबर 71 है, मूत्र से प्रतिदिन कितना पानी निष्कासित होता है? तो कुल 1500 ml प्रतिदिन निष्कासित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि रक्त के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों रक्त के प्लाज्मा का रंग जो है हल्का पीला होता है, ठीक है, हल्के पीले रंग का, यानी कि भूसे के रंग की होती है। और जो प्लाज्मा होता है उसमें पानी जो है 90 से 91%, प्रोटीन जो है 8%, जिसमें से एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। और 0.9% नमक यानी साल्ट, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन आते हैं। एंड 0.1% में ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड आदि। और जो इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम्स, एंटीजन आदि भी पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य होता है पोषक तत्वों जैसे कि नमक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड को ऊतकों तक पहुंचाना, और वहां के जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको अपने साथ लेकर के बाहर निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो 4600 ml होती है, और कुल वायु क्षमता जो होती है वाइटल कैपेसिटी गुणे रेसिडुअल एयर, जो अपशिष्ट वायु होती है, दोनों को मिलाकर के कुल वायु, कुल फेफड़ों की क्षमता कहा जाता है। तो 4600 ml आपका वाइटल कैपेसिटी होता है, और 1200 ml आपका रेसिडुअल एयर अपशिष्ट वायु होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5.8
लीटर हो जाएगा 5800 ml यानी कि 5.8 लीटर। इस प्रकार यहाँ पे कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, फिर भी उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 6 से 8 लीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कहा जा सकता है उसके आधार पर कि 5 से 6 लीटर आपका हो सकता है, कि 5.8 होगा तो यहाँ पे 5 से 6 लीटर राइट होगा। ठीक है, 5 से 6 लीटर अक्सर राइट होता है 5.8 लीटर। ठीक है, 5.8 लीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 74 है, मनोविज्ञान को दर्शाता है। तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार को दर्शाता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, तो व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर लास्ट में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। क्वेश्चन नंबर 75 है, पावलाव का नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह कंडीशनिंग रिफ्लेक्स लर्निंग सिद्धांत से ये जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देख नहीं रहा है अच्छे से, यहाँ पे क्वेश्चन है कानेस्थेटिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों कानेस्थेटिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत पृष्ठ पेश पोषण, यानी कि कानेस्थेटिक क्या होता है, सेंस होता है एक प्रकार का, जैसे कि गर्म वस्तु पर हाथ रखते ही एकाएक हाथ हट जाना, ये सब कानेस्थेटिक सेंस है हमारे शरीर में, वो एक होता है। तो जो व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण होता है, दोस्तों 5-6 क्वेश्चन है जो अच्छा से दिख नहीं रहा है, सॉरी इसके लिए, एंड फिर भी आपको विजिबल होगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 77 है, अधिगम के वंशानुगत घटक हैं। तो दोस्तों लंबाई, वजन, शारीरिक बनावट, शरीर बनावट, ये सभी क्या है, वंशानुगत घटक हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 है, आयु के वर्ष महीने और दिन को क्या कहते हैं। तो आयु ज्ञात करने के जो वर्ष महीने और दिन में ज्ञात किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। जो अस्थि और दांतों के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं एनाटॉमिकल एज। जो बच्चों में हार्मोनल चेंजेज होते हैं लड़के लड़कियों में, उसके आधार पर आयु ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल एज। जो मानसिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जाता है, उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक आयु। ठीक है, इस प्रकार 4 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे दोस्तों एथलेटिक्स का पूछता तो IAAF हो जाता, लेकिन सभी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की बात कहा है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि एथलेटिक्स नाम लिया नहीं है। अगर यहाँ पे एथलेटिक्स के अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की बात करता तो IAAF हो जाता, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1912 में हुआ था स्टॉकहोम स्वीडन में। अब इसका नाम 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक WA कर दिया गया है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, डोपिंग परीक्षण प्रक्रिया में इसका समावेश होता है। तो डोपिंग परीक्षण में रक्त का और मूत्र का दोनों का नमूना लिया जाता है। पहले मूत्र का लिया जाता है, अगर उसमें कोई क्लियरिटी नहीं होती है तब रक्त का लिया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ, क और ख दोनों राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, एथलेटिक्स में प्रथम पद्मश्री किसको दिया गया। तो मिल्खा सिंह को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, पहली भारतीय महिला जिसने एशियन खेल के एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह कौन है, पहली भारतीय महिला जिसने एशियन खेल के एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह है आपके कमलजीत सिंह संधू, जो 400 मीटर दौड़ में 1970 के थाईलैंड बैंकॉक में 57.30 सेकेंड में जीता था। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम के द्वारा छात्रों में किसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, इंट्राम्यूरल यानी कि एक संस्था के अंदर प्रतियोगिता चार दीवारी के अंदर, तो उसमें निर्माण होता है इन्वॉल्वमेंट का, सहयोग की भावना। ठीक है, और एक्स्ट्रामूरल जो एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच होती है, ठीक है, उसमें प्रतियोगिता की भावना निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, शिक्षण में किसी विशिष्ट विधि का उपयोग करना किस पर आधारित है।
तो दोस्तों यह अध्यापक के कौशल पर आधारित है, शिक्षक के कौशल पर कि वो किस विधि का प्रयोग करके बच्चों को सिखा सके। एंड क्वेश्चन नंबर 85 है, इनमें से कौन सा शिक्षण योजना का सिद्धांत नहीं है, यानी कि लेसन प्लान पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। आयु एनसेक्स है, प्रोग्रेशन सिद्धांत है, वार्मिंग अप है, लेकिन शिक्षक का अनुभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रेस्पिरेटरी चैन बोला जाता है। दोस्तों जो एक प्रकार का चैन होता है जिसके माध्यम से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हमारे सिस्टम्स होता है वो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें से कौन शारीरिक शिक्षण के सुपरवाइजर का प्रतिनिधित्व करता है, प्रबंधक का, तो वो होता है आपका संस्था का जो प्रमुख होता है वह करता है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि एशियन गेम्स फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन है, तो एशियन गेम फेडरेशन के पहले अध्यक्ष जीडी सोंदी है। दोस्तों जिस प्रकार ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक के पितामह बैरन पियर डी कुबर्टिन को कहा जाता है, उसी प्रकार एशियन गेम्स के पितामह हैं जीडी सोंदी। क्वेश्चन नंबर 89 है, आईओए का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे सर दुराबजी टाटा एंड वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 90 है, साई जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था, तो साई के अंतर्गत एनएसएनआईएस भी आता है, तो साई एनएसएनआईएस ने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो यह पटियाला में स्थित है, जिसकी स्थापना 7 मई 1961 को किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 91 है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ईडन गार्डन स्टेडियम जो है कोलकाता में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि 2016 ओलंपिक कहाँ पे संपन्न हुए थे, तो आप सबको पता है यह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था, जिसमें भारत ने वर्ल्ड 2 पदक प्राप्त किया था, 2 पदक में था पीवी सिंधु ने रजत पदक बैडमिंटन में और साक्षी मलिक ने कुश्ती 58 kg फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीती थी, और फाइनल में पहुंची थी दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक वर्ल्ड स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी दीपा कर्माकर। 2020 टोक्यो ओलंपिक जापान में संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने 7 पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 93 है कि भारत के किस खिलाड़ी ने एथेंस 2004 में एकमात्र पदक जीता था, तो एथेंस 2004 की बात हो रहा है, तो मेजर राजवर्धन सिंह राठौर थे जो एकमात्र भारत की तरफ से पदक जीते थे निशानेबाजी में रजत पदक, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 94 है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल कैडेट क्रॉप्स, जिसकी स्थापना 1948 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95 है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है, तो एक बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए, अच्छा निष्पादक का गुण होना चाहिए उसके अंदर। एंड क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन सी महिला खिलाड़ी ने एशियन गेम खेल में प्रथम स्वर्ण पदक जीता था, तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, कमलजीत सिंह संधू। क्वेश्चन नंबर 97 है, खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं, तो 8 क्रॉस लेन होते हैं, जिसमें से 9 खिलाड़ी प्रत्येक पारी में खेलते हैं, जिसमें से 8 क्रॉस लेन में 8 खिलाड़ी बैठते हैं और जिसे और एक रनर होता है खड़ा रहता है, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 98 है कि कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, और जिसमें से 7-7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और 5 स्थानापन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, कबड्डी खेल में कितने ऑफिशियल्स होते हैं, तो 7 ऑफिशियल्स होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 100 है, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं 12, 6-6 खिलाड़ी दोनों पारी में खेलते हैं, तो प्रत्येक टीम में टीम
टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं कुल, और खेलते हैं 6 खिलाड़ी और 6 स्थानापन्न होते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में 100 क्वेश्चंस था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसी तभी आपको क्लियरिटी आएगी। बिना क्लियरिटी के आपका क्वेश्चन हल नहीं हो पाता, आते हुए भी क्वेश्चंस गलती हो जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।